वाओ, सुपर टेस्टी खीर सिमैया की, जो कि हमने 5 मिनट में तो नहीं, सॉरी, बहुत जल्दी बन के तैयार हुई है। इसमें हमने दो खास चीज डाली है, जिससे खीर में चार चांद लग जाते हैं, स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ता है। तो ये खीर कैसे बनाई, चलिए बनाना बता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज हम बनाने वाले हैं सिमैया की खीर। जैसा कि आपको पता है, रक्षाबंधन पर ना सिमैया की ही खीर बनाई जाती है, सिमैया बनाई जाती हैं, अलग अलग टाइप से बनाई जाती है, जिसके यहाँ जैसे तरीके से बनती हैं वो वैसी ही बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सिमैया की खीर। तो ये हमने आधा किलो सिमैया ली हैं, ये हम सारी नहीं बनाएंगे, लेकिन एक साथ हम इसको भून लेंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से पहले सिमैयाओं को। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। इसकी खीर ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें ना हम एक चीज़ और डालेंगे, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे, उससे ना टेस्ट बहुत दोगुना और बढ़ जाता है। तो सेमैया की खीर बनाने के लिए चलिए हम आगे की प्रोसेस चालू करते। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डालेंगे घी। ये घी हमारा घर का घी है, देसी घी है। ये घी डाल देंगे 1.5 चम्मच। घी गर्म हो जाए घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद हम सिमैया डालेंगे इसमें। और इनको हम चलाते चलाते ब्राउन होने तक पकाएंगे इन सिमैयाओं को। जब तक ब्राउन नहीं हो जाए सिमैयों को, हमें जब तक चलाते ही पकाना है। इस तरीके से सारी सिमैयों को हम चलाते चलाते पका लेंगे। ये खीर बहुत टेस्टी लगती है, चाहे जब बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। चलाते चलाते इनको पका लेंगे हम। हमारी सिमैया भुंज के रेडी हो चुकी हैं, जिनको हमने ऐसे भूंजा है। आप चाहो तो और ब्राउन भी कर सकते हो। सिमैया दो कलर की आती है, एक येलो कलर में भी आती है, लेकिन हमने व्हाइट वाली ली थी। हमने इस तरीके से भूंज लिया है। वो क्लिप पता नहीं क्या है, मोबाइल फ़ोन आ गया था तो वो ऐड नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से ये हमारी सिमैया भूंज के रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे हम, ये साबूदाना, छोटा वाला साबूदाना है, जिसको भिगो दिया था 1 घंटे पहले। इससे ना खीर हमारी बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनको खीर में ऐड करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये खीर में डालने के लिए हमने शक्कर ली है, जो खीर में यूज होगी। चलिए हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने दूध चढ़ा दिया है, दूध में बॉयल आ चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो साबूदाना लिया था ना हमने, वो वाला, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी सिमैया हमने वही कढ़ाई यूज की है, कढ़ाई, तो उसको हमने क्या है धोया नहीं था, घी से हमारी थी ना, इस वजह से। इसको थोड़ी देर चला देंगे। पहले हम साबूदाने को 2 मिनट पका लेंगे। इसमें बहुत टेस्टी खीर लगती है, आप एक बार मेरे तरीके से खीर बनाकर देखना। ये फुल क्रीम दूध लिया है हमने, ये 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। आप फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। तो इस तरीके से हम इसे 1-2 मिनट साबूदाने को पका लेंगे। हमारे साबूदाने 2 मिनट तक बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें हम सिमैया को ऐड कर देंगे। हमें सारी सिमैया नहीं डालनी है, आप जिस हिसाब से बनानी है ना, आप उसी हिसाब से डाल सकते हो। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है ये। हमारी खीर में अच्छी तरीके से बॉयल आ रही है, इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। पकने देते हैं इसको हम, बीच बीच में अपनी खीर को चलाते चलाते पका लेंगे। खीर हमारी पक चुकी है, 1 मिनट और इसको पका लेते हैं हम।
एक मिनट और पका लेंगे, उसके बाद हम ये इस टाइम पर अब इसमें ऐड कर देंगे हम ड्राई फ्रूट्स। कुछ काजू थे, बादाम थे और कुछ हमने ये किशमिश डाल दिए हैं। दो मिनट और पका लेंगे इसको हम अच्छी तरीके से। हमारी खीर बन चुकी है, इसमें हम डालेंगे चीनी, जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी डाल के इसको एक मिनट और पका देंगे हम, ताकि चीनी हमारी अच्छी तरीके से घुल सके। एक मिनट इसको और पका देंगे। हमारी खीर बन चुकी है, गैस को कर देंगे बंद। ये खीर बहुत अच्छी लगती है। प्लीज गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताया करें। तो हमारी खीर बन चुकी है, गैस को कर देंगे बंद हम, और सर्व करने के लिए हम इस खीर को निकाल लेंगे। हमारी सिमैया की खीर है बनके रेडी। वाओ, कितनी टेस्टी बनी है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखना, ये एकदम सिंपल तरीके से बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है ये खीर। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। कैसे आप लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, तो इसी तरीके से आप मेरी रेसिपी को बनाकर जरूर देखना, ये ना बहुत टेस्टी लगती है। तो आप एक बार सेवैया की खीर इस तरीके से ज़रूर बनाना। आपको भी मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।